इसराइल के पीएम का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत। नेतन्याहू ने कहा, मोदी की इसराइल यात्रा से दोस्ती शुरू हुई, मेरी यात्रा से और गहरी होगी। पीएम नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच की दोस्ती को शांति, समृद्धि और विकास से जोड़ा। कहा, मोदी की यात्रा से इसराइल में जबरदस्त जोश आया। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के दौरान पीएम मोदी नेतन्याहू से हाथ मिलाते हुए नजर आए। नेतन्याहू से मोदी को गले तक लगा। राष्ट्रपति भवन में पीएम नेतन्याहू का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम नेतन्याहू को अपने मंत्रिमंडल और सेना के अधिकारियों से मिलवाया। राजघाट जाकर पीएम नेतन्याहू ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ में पत्नी भी मौजूद रही। हैदराबाद हाउस में आज पीएम के साथ नेतन्याहू की द्विपक्षीय वार्ता। जमीन से हवा में मार करने वाली 131 मिसाइलों समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर संभव। एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल डील को हरी झंडी मिलने की संभावना। इसराइल भारत को 8000 एंटी टैंक मिसाइल देगा। सीमा पर चौकसी के लिए भारत को स्मार्ट बाड़ देगा इसराइल। पठानकोट हमले के बाद भारत ने स्मार्ट बाड़ लगाने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच कृषि, साइबर सुरक्षा समेत कई समझौतों पर करार होगा। भारत इसराइल बिजनेस समिट में भी नेतन्याहू शिरकत करेंगे। मंगलवार को इसराइल के पीएम नेतन्याहू आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, अहमदाबाद और मुंबई भी जाएंगे।